नमस्कार, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। एपीएन लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में स्वागत है आप सभी का। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और हमको फोन कर सकते हैं। आज हम आर्म्स एक्ट से संबंधित कानूनी जानकारी आपको देंगे। हथियार रखने पर भी कानून का पालन करना पड़ता है, इस कानून को आर्म्स एक्ट के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में एक्ट लाइसेंस के बिना बंदूकों की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, इस्तेमाल, ट्रांसफर, परिवर्तन, टेस्टिंग या प्रूफिंग पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अतिरिक्त बिल गैर लाइसेंस शुदा बंदूकों को हासिल करने या खरीदने और लाइसेंस के बिना एक श्रेणी की बंदूकों को दूसरी श्रेणी में बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें बंदूकों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किए गए संशोधन भी शामिल हैं। एक्ट लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित बंदूकों को रखने पर 7 से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान करता है। बिल ने न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया है। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में अपराधी को मृत्यु दंड का प्रावधान भी था। बिल में इस सजा को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास किया गया, जिसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ता है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। आर्म्स एक्ट से जुड़ी कानूनी पहलुओं को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय। अभिजीत जी, स्वागत आपका। तो अभिजीत जी, आपको आर्म्स एक्ट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं पर जानकारी देंगे। अगर आपका हथियार रखने का इस्तेमाल रखने से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के नीचे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो आम एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इन नंबर्स पर डायल कर सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन के नीचे हम फ्लैश कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नंबर हैं उनके जरिए आप आर्म्स एक्ट से जुड़ी कोई भी कानूनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभिजीत जी, सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि आर्म्स एक्ट का मकसद क्या है असल में? क्या ये हथियारों के नियंत्रण के लिए है? यस, ये हथियारों के नियंत्रण के लिए है। इसका पहले जो हमारा हिस्ट्री जो था, पहले आप लोगों को याद होगा बहुत पुरानी टाइम पे हम लोग क्या क्या यूज करते, उस टाइम हम लोग स्टिक्स यूज करते थे, लाठी था, रॉक्स था, आयरन रॉड था, एक्स था, सोर्ड था, ये हम लोग पहले यूज करते थे। लेकिन उसी टाइम की कोई भी गलत इस्तेमाल होता था वो कोई कानून तो था नहीं, ये एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो बाद में पता चला कि इसको भी हमें रेगुलराइज करना है, तब हमने ये आर्म्स एक्ट की प्रावधान लेके आया 1959 में। उसके बाद इनका आस्ते आस्ते अमेंडमेंट हुआ, जैसे कि अभी जो हम लोग आर्म्स यूज कर रहे हैं उसमें जो है पिस्तौल है, गन है, फायर आर्म्स है, टैंक्स है, पेट्रोल टैंक और मिसाइल जैसा कुछ है। तो अभी हम लोग ये सारे आर्म्स यूज करने के लिए शुरू कर दिया। तो अभी अभी अगर हम लोग का कोई रेगुलेशन नहीं होगा, कोई एक्ट नहीं होगा, तो कोई भी बंदा अपना घर में बना लेगा। इसीलिए आर्म्स एक्ट की नया जो अमेंडमेंट लेके आया उसमें से प्रोडक्शन, पोजेशन एंड ट्रेड, कौन इसको प्रोडक्शन कर सकता है, कौन इसको पोजेस कर सकता है और कौन इसके लिए ट्रेडिंग कर सकता है, बेच सकता है, ऐसा कानून लाया। और रीवा से एक दर्शक जुड़ रहे हैं भट्टाचार्य जी हमारे साथ, राम साहू साहब। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। राम साहू साहब, आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए अपना। अरे सर, हमको आवाज शोधन मिल रही है। राम साहू जी बोलिए। हाँ बोल रहे हैं सर, हमको आवाज शोधन मिल रही है। एक बार फिर से अपनी बात दोहराइए। राम मुन साहू, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हमको आवाज शोधन नहीं मिला है।
चलिए दोबारा से आप एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के नीचे लगातार फ्लैश हैं। अभिजीत भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य जी, आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो चुका है, ये कानून आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन करके लाया गया, तो आर्म्स एक्ट में बुनियादी बदलाव क्या हुए सर? इसमें से जो हम एक्ट में मेन जो कार्रवाई हुआ था, जो चेंज हुआ नया, इसमें से पनिशमेंट ये था। पनिशमेंट पहले हमारा था कि कोई गैर कानूनी आर्म्स यूज कर रहा है या तो पजेस कर रहा है, तो उसके लिए 3 साल की सजा था, 3 साल से मैक्सिमम 10 साल हो सकते थे। लेकिन अभी इसको बढ़ा के इनको 10 साल से लाइफ तक कर दिया। अगर अभी किसी को इलीगल वेपन मिला जाता है किसी का पोजीशन में, तो उसके लिए इसका प्रावधान बढ़ा के 10 साल से 14 साल, हमारा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की प्रावधान किया गया। अभिजीत जी, सवाल ये भी है कि अवैध हथियार रखने पर असल में कौन सी धारा लगती है, जिसकी जानकारी होनी चाहिए असल में? जो सेक्शन 25 है उसी में इनका पनिशमेंट की प्रावधान है। एक्चुअली जो जितना सारे केस हमारा दर्ज होता है वो सेक्शन 25 या तो 27 के तहत, क्योंकि कोई इलीगल पजेस करता है कोई इलीगल यूज करता है, तो दोनों में सेक्शन 25 और 7 लगता है। सर एक व्यक्ति की बात, सर ठीक है उपाध्याय जी, एक व्यक्ति असल में कितने हथियार या फिर बंदूकें रख सकता है, क्या उसकी कोई सीमा तय की गई है? पहले पहले तो किसी का पास इतना कानून था नहीं, कहीं भी यूज करते थे, तो अभी नया कानून में आया 2 या तो अधिकतम किसी का पास कोई आर्म्स होगा तो वो नहीं रख सकता है। ज्यादातर 2 आर्म्स रख सकता है, वो भी लाइसेंस में। अगर बिना लाइसेंस में किसी के पास आर्म्स मिल जाए तो इसके लिए भी प्रावधान है 10 साल की सजा। जी ठीक है सर, एक दर्शक और जुट रहे हमारे साथ, रामू साहू जी। रामू जी सवाल पूछिए, अपना क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे सर हमको आवास योजना नहीं मिला है। सर ये आवास योजना के लेके कार्यक्रम नहीं है सर, आर्म्स एक्ट की बात कर रहे हैं, हथियारों की बात कर रहे हैं, किसी और प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और तमाम तरीके के सवाल आप हमारे इस कार्यक्रम में आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए पूछ सकते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं आर्म्स एक्ट की। सर हालांकि विषय थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन चट्टोपाध्याय जी आवास योजना नहीं मिली है, इसके बारे में अगर आप कोई जानकारी देना चाहें, हालांकि विषय बहुत अलग हो जाएगा। जिनका आवास योजना की जानकारी चाहिए ये तो ऑनलाइन भी मिलता है गवर्नमेंट के तहत, और जिनका पैसा नहीं मिला वो अपना जो डीएम है कलेक्टरेट जो है उनके साथ संपर्क करे और उनके पास पूछे कि इनका एप्लीकेशन की पेंडिंग स्टेटस क्या है और इनका कब तक मिलेगा। जी ये लोकल कलेक्टरेट और डीएम वो बता पाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जवाब कुछ काम आ पाएगा रामू साहू जी के। तो आज हम बात आम सेक्ट की कर रहे हैं, हथियारों की बात कर रहे हैं, और इसी से जुड़े तमाम सवाल आज हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। आप अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अभिजीत चट्टोपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत जी लाइसेंस कैसे लिया जाए, हथियारों का लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस है जरा उसे भी समझाइए। अभी जो हुआ आपका लोकल कलेक्टरेट और डायरेक्ट डीएम के पास एप्लीकेशन जमा करना पड़ता है और वहां से लाइसेंस मिलता है। अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑनलाइन की भी प्रावधान जुड़े हैं, अगर किसी को लाइसेंस की अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए एक फीस भरा जाता है और वो फीस भरने के बाद ही लाइसेंस की वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद लाइसेंस इशू किया जाएगा। जी लेकिन जो बदलाव आर्म्स एक्ट में हुआ है सर, उसके हिसाब से सजा भी ज्यादा बढ़ गई है, जुर्माना भी ज्यादा लग गया है, इस बदलाव के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। अभी जो हुआ इनका जो नया अमेंडमेंट लेके आया, ये नया अमेंडमेंट आया 14 दिसंबर 2019 में, इसमें इन्होंने कई सारे बदलाव लेके आया। तो लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं आर्म्स एक्ट की, और आर्म्स से जुड़ी हुई कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कृष्णा जी। कृष्णा जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
कृष्णा जी, आप हैं मेरे साथ, सुन पा रही हैं मुझको? सवाल पूछिए। तो कृष्णा जी शायद हमसे कनेक्शन कट गया है, लेकिन हमारे साथ वकील साहब लगातार बने हुए हैं। तो अभिजीत जी, आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि जो सजा और जुर्माने में बदलाव हुआ है उसके बारे में। जी, अभी आपने देखे होंगे कई सारी एक मैरिज पार्टी में ना ये लोग बंदूक की यूज करते थे, तो ये भी गलत था। अभी इसी के लिए भी नया कानून लेके आया कि अगर कोई इलीगली पोजीशन है और शादी बाड़ी में ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए भी 10 साल की प्रावधान कर दिया। अगर किसी के पास मिला गया और लाइसेंस में इनका ये प्रावधान भी लेके आया कि कोई भी एक इलीगली पोजेस कर रहे उसको रेगुलर बेल भी नहीं मिलेगा, उसका एक दिन के लिए जेल में जाना ही पड़ेगा और उसके बाद वो लाइसेंस वेरीफाई का होगा और कोर्ट से इसको जमानती तब मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। एक दर्शक जुड़ चुकी है कृष्णा जी हमारे साथ। कृष्णा जी सवाल पूछिए। हेलो कृष्णा जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा ना श्रीनगर में 100 गज का मकान था और मेरे नाम से था और 2014 में मेरी सास ने मुझे दिया था, गिफ्ट डीड करी थी जी। हेलो जी, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ जी, तो गिफ्ट डीड करी थी, तो मेरा जो मेरे तीन बेटे हैं, तीन बेटों में से मेरे बेटे ने एक बेटे ने अपने घर बुलाया और ऐसे धोखे से, मुझे कुछ भी पता नहीं है, उसने धोखे से रजिस्ट्री के अपने नाम करवा ली 50 गज की, और एक कागज और साथ में भी लिया था, उसने अपने छोटे भाई के नाम भी वो करवा दी। 100 गज का मकान था, दोनों के नाम चला गया सर। मैंने उसी टाइम में सब कुछ मतलब ये एप्लीकेशन वगैरह लगा दी थी, पुलिस में थोड़ी बहुत कार्रवाई की है सर। मुझे क्या करना चाहिए, वो गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं हो सकती? ठीक है अभिजीत जी, सवाल आप सुन चुके हैं, जवाब दीजिए सर। इसमें कोई बंदूक की आर्म्स की यूज किया था उन्होंने जब साइन कराया? जब सर उसने ऐसा करा कि मैं ना अपने घर पे ना बहुत बीमार थी, परेशान थी अपने घर से, और मैं ना मेरी ना खांसी और दमे से मैं परेशान थी, आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता था, मैं बीमार रहती थी, तो मेरा बेटा बोला कि मेरे घर चल, मैं मम्मी आपकी सेवा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आप वहीं रह लेना, थोड़े दिन ठीक हो जाओगे जब आ जाना। और 3-4 दिन भी नहीं बीते थे, उसने ना धोखे से ना अब मेरी रजिस्ट्री पता नहीं कैसे कागज वागज सब तैयार कर रखे थे, और उसने ना पता नहीं कैसे मुझे धोखे से साइन करवा लिया, मुझे नहीं पता, वो हाँ हाँ करता गया, मैं नाना करते, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कब कागज लाया, कब उसने साइन करवाए, कब मेरे से उसने रजिस्ट्री साइन करवा ली, कब मुझे वो ऊपर ले गया, मुझे कोई होश नहीं है, ऐसे लगता है जैसे कुछ मुझे नशा, मुझे नींद आती रहती थी। अभिजीत जी, तो क्या आपका घर में आके उन्होंने रजिस्ट्री कराया कि आप लेके गए थे रजिस्ट्री ऑफिस में? बाद में उसने 22 तारीख को मुझे बताया, अभी रजिस्ट्री हुए को 1 महीना हुआ है, अभी उन्होंने मुझे बताया था कि भाई मैंने आपको कुछ खिलाया है, आपको नशीली दवाई खिलाई है ताकि। तो आप पुलिस को कंप्लेन किया है कुछ? उसी हाँ जी, मैंने पुलिस को, जैसे मेरे को 22 तारीख को पता चला था, तो मैंने चारों तरफ सोच साथ के समझ के उसको बतेरा समझाया, नहीं माना, 27 जुलाई को मैंने कंप्लेन की थी। 27 जुलाई हाँ जी, तो ये जो इसने मेरे से धोखे से गिफ्ट डील करवा ली है, देखिए आपका जो है ना 468, 467 की आपको वहाँ पे केस दर्ज करना पड़ेगा गलत डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ये पुलिस की कार्रवाई होगा, आप पुलिस को कंप्लेन कीजिए तो पुलिस आपको इसी के ऊपर कार्रवाई करेगा, FIR दर्ज करेगा और FIR की बात इसको आपका कार्रवाई होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कृष्णा जी आपको आपकी इस समस्या का समाधान मिल गया होगा, अभिजीत जी ने जो बताया आप उसे प्लीज फॉलो करिए। लेकिन सर आर्म्स एक्ट की हम बात कर रहे हैं तो इसके तहत बेल के क्या प्रावधान है सर, किस तरीके से जमानत मिलती है? नहीं, इसमें अभी जो नया कानून आया इसमें आपका जमानती तुरंत नहीं मिलेगा, ये तो इन्होंने बोला था, बेलेबल ऑफेंस तो था पहले, जब पहले इनका अमेंडमेंट नहीं आया था, लेकिन अभी अमेंडमेंट लाया और मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से 14 साल भी कर दिया, तो 7 साल मतलब हो गया वारंट प्रोसीड्योर के, तो वारंट प्रोसीड्योर में इतना जल्दी जमानती नहीं मिलता है। ठीक है सर, कोर्ट में इसको पेश होगा और एक दिन तो उसके जेल में रहना ही पड़ेगा। ठीक है सर, नया कानून में। ठीक है सर, एक दर्शक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रामनिवास जी नोएडा से। रामनिवास जी सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहते हैं?
जी हेलो सर, सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, तब आपकी आवाज अच्छे से आ पाएगी। सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल मेरा यह है, 4 साल पहले एक आदमी ने 4 बीघे जमीन का हेलो रामनिवास जी, देखिए जब तक आपका सवाल सही ढंग से नहीं आ पाएगा, जब तक आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करेंगे, आप टीवी में मत सुनिए सर, फोन से बात करिए, आपकी बात पहुंच जाएगी। अच्छा जी जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं सर। ये है, 4 साल पहले एक आदमी ने मुझसे जमीन गिरवी रखवाई थी 4 बीघे, और उसमें चेक उसमें लिखवाया था कि मैं आपके क्रेडिट कार्ड में चेक जमा कर दूंगा, मैंने लोन के लिए दी थी उसको, और उसने मेरा अब लोन का मेरे पर आरसी आई है, उसने वो चेक बिल्कुल जमा नहीं किया, बिल्कुल कोई पैसा उसने जमा नहीं किया, तो सर उसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, अभिजीत जी जवाब दीजिए सर। एक बार बोलिए दोबारा, आवाज अच्छा। नहीं आया क्लियर। रामनिवास जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए वकील साहब के लिए। सर 4 साल पहले कृषि कार्ड को जमा करने के लिए मैंने अपनी 4 बीघा जमीन बेची थी। हेलो सुन रहे, बोलिए। हाँ, 4 बीघे जमीन मैंने बेची थी कृषि कार्ड जमा करने के लिए, जिसने वो जमीन ली उसने उसमें चेक दिखाया कि मैं 3 लाख का चेक आपके कृषि कार्ड में जमा कर दूंगा। अच्छा सर, उसने वो अब मेरे पास आरसी आई है कृषि कार्ड की, उसने वो चेक जमा नहीं किया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जमीन भी उस पर चली गई और मेरे कृषि कार्ड के पैसे भी जमा नहीं हुए। आप जब जमीन में रजिस्ट्री हुआ था उसमें लिखा था कि उन्होंने आपके लिए पैसा जमा कर देगा, ऐसा लिखा था उसमें? रामनिवास जी कहीं लिखित में है कि उसने लिखा हुआ ऐसा कि वो पैसे जमा कर देगा आपके? ठीक है, शायद रामनिवास जी का कनेक्शन हमसे कट गया। सर जितना आप समझ पाए उसके हिसाब से आपको एडवाइस करना चाहें। अगर उसमें लिखा होगा तो वो जमीन उसका वापस आ जाएगा, जब वो पैसा जमा नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट यही होगा कि हम पैसा देंगे किसी का तो जमा करेंगे तब ये जमीन उनका नाम पे होगा, अगर पैसा जमा नहीं किया होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और जमीन उनको वापस ही मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ठीक है, आज हम आर्म्स एक्ट की बात कर रहे थे, हालांकि कुछ और सवालों को भी हमने कार्यक्रम में शामिल किया जिनका जवाब वकील साहब ने दिया। अभिजीत जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, चर्चा में जुड़े और इतनी अहम जानकारियां हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई, थैंक यू सो मच सर। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।